हाय गाइस, सो वी आर एट पालमपुर और हम रुके हैं स्टार गेजर चाले में। एक्चुअली मैं इतना खुश ना इसलिए हूँ क्योंकि ये स्टेन आपने पिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये दो पेड़ हैं, इनके बीच में नदी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नदी का काफ़ी कम है, इसलिए नदी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। बट एक्चुअली थोड़ा सा डाउन द हिल ट्रेल है, आई थिंक 600-700 मीटर्स का। और ये इनका बड़ा सा गार्डन है, दैट इज़ अ आई थिंक 1 BHK, दैट वन। ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK है। देयर इज़ अ ट्रैम्पोलिन, झूला है। और ये हमारी 3 BHK की आउटसाइड सीटिंग है। ऊपर टेरेस का रास्ता है। एंड नाउ वी एंटर डायरेक्टली इन टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में ही साइड में वो डोर, दैट इज अ वॉशरूम। ये नीचे जो दिख रही है ये हमारी एंट्री है। यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग स्पेस भी है। यहाँ से नदी, इसलिए ये 1 BHK वाले सही है कॉटेजेस। देखो यहाँ से नदी का व्यू आ रहा है। ये भी देख रही हूँ, कल रात में बहुत क्लाउड्स थे ना, सारी स्नोफॉल हो गई उधर दूर पहाड़ों पे। ढूंढ रहे हैं ब्रिक कैफे। हाँ, एक जगह पतले पतले रास्ते वहां से। हम आ गए हैं फाइनली ब्रिक कैफे। और ये इनकी स्टीप सी रोड है, ऊपर जा रही है। गाड़ी खड़ी कर दी है हमने। तो यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू भी आ रहा है धौलाधार का। पीछे स्नो वाले पहाड़, ये ऊपर कैफे है। Thank you.
कहीं निकल आए। अरे यहाँ तो ऐसे बांस पड़ रहे हैं, आप आओगे इनके ऊपर से? टूट तो नहीं जाएंगे? वहां कहाँ गए? जेनी क्या कर रही हो? ट्रैकिंग? ब्रिज क्रॉस करके वहां से वो देखो रास्ता बना के। संभाल के चलो। अपने एयरबीएनबी से पैदल पैदल जंगल के थ्रू रोड्स के थ्रू चलते हुए फाइनली हमने रिवर ढूंढ लिया और वहाँ पास तक जा रहे हैं। पहुँच गए, ऐसे 15-20 मिनट लगे होंगे हमें अपने स्टे से यहाँ तक आने में। इस जंगल में घुस जाते हैं रोड छोड़ के फिर हम पहुंचेंगे अपने एयरबीएनबी इस जंगल से होते हुए। हम वापस आ गए अपने एयरबीएनबी में। यहाँ से जंगल और रोड के थ्रू लगभग 20 मिनट की वॉक है, जाने में बहुत इजी लगेगी आने में पूरी चढ़ाई है, बट हाँ अच्छा है, छोटा सा ट्रैक, रिवर भी काफी शांत है। नाउ वी आर बैक।